आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर टेन इम्प्रूवमेंट और इसमें सब क्लॉज है टेन पॉइंट वन जनरल तो आज चर्चा होगी ऑन क्लॉज नंबर टेन पॉइंट वन जनरल आईएसओ नाइन थाउजेंड वन टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्लॉज है ये और चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ आपको पहले तो ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊँगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है Uh, clause number 10, Improvement 10.1 10 General. The organization shall determine and select opportunities for improvement and implement any necessary actions to meet customer requirements and enhance customer satisfaction. These shall include A, B, C, there are three things in this. A improving products and services to meet requirements as well as to address future needs and expectations B correcting preventing or reducing undesired effects and C improving the performance and effectiveness of the quality management system and there is a note below examples of improvement can include करेक्शन करेक्टिव एक्शन कंटिनुअल इम्प्रूवमेंट ब्रेक थ्रू चेंज इन्ोवेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन तो ये छोटा सा क्लॉज है और अब हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में विस्तार में तो जैसा कि इसका टाइटल बोलता है ये क्लॉज है इम्प्रूवमेंट के बारे में कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं अपने सिस्टम में अपने सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में ये क्लॉज है तो कंपनी जो है क्या करना होगा उसको कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट इनको आइडेंटिफाई करना होगा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हमारे प्रोसेसेस हैं बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन है जहाँ भी हम समझते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट इस चीज़ को डिसाइड करेगी एंड इम्प्लीमेंट एनी नेसेसरी एक्शंस टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और वो अपॉर्चुनिटीज में से जो ज़रूरी हैं जिनसे कि कस्टमर रिक्वायरमेंट पूरी होती हो या हमारा कस्टमर सेटिसफेक्शन जो है वो बढ़ता हो तो उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हुआ ओपनिंग सेंटेंसेस का। और इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी ए इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज एड्रेस फ्यूचर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारी जो सर्विस है जो हम कस्टमर को दे रहे हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए उसमें ज़्यादा बेहतर होना चाहिए बेहतरी आनी चाहिए और जो आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि फ्यूचर नीड्स हो सकती हैं कोई हमारी ज़रूरत हो सकती हैं ज़रूरतें हो सकती हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में महसूस हो कि भाई ये तो ये भी होना चाहिए था तो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो जो भी चीज़ है उसके बारे में हमें इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है कि क्या इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है प्रोडक्ट में या सर्विस में ताकि वो आने वाले फ्यूचर में भी जो रिक्वायरमेंट हो सकती है उसको भी पूरा करे और करंट जो रिक्वायरमेंट हैं उनको भी पूरा करे तो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस जो कस्टमर की हैं या सर्विस प्रोवाइडर की हैं या जिसकी भी हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की हैं तो सब लोगों की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड जो है उनको इम्प्रूव करना है अब आ जाइए बी पर करेक्टिंग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग अनडिज़ायर्ड इफेक्ट कोई भी प्रोसेस में या प्रोडक्ट में कोई ऐसा हमारे पकड़ में आता है कि ये डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट नहीं है अनडिज़ायर्ड इफेक्ट है तो उसको इमीडिएटली हमें पकड़ना है उसको सही करना है उसको दूर करना है और उसको कम करना है मतलब जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से बेहतर से बेहतर वो उसको प्रोडक्ट को करना है तो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जो हैं उनको पहचानना है उनको नोट डाउन करना है और उनको दूर करना है चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या जो भी हो ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ सके और कस्टमर uh, की रिक्वायरमेंट या किसी भी और स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट जो है जो पूरी नहीं हो रही किसी वजह से वो पूरी हो सकें अब आ जाइए बी पे करेक्टिंग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हैं जो हमारी सर्विस से रिलेटेड हैं या प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं उनको हमें पहचानना है उनको करेक्ट करना है प्रिवेंट करना है दूर करना है और कम करना है ताकि वो अनडिज़ायर्ड इफेक्ट जो हैं कम से कम प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हों और आइए सी पर लास्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है इफेक्टिव परफॉर्मेंस आप समझते हैं कि कैसा काम कर रहा है वो और इफेक्टिवनेस ये कि जो उससे उम्मीद की जा रही है वो रिज़ल्ट हमें दे रहा है नहीं दे रहा तो अगर वो रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं जो हमें चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से तो हम ये कहेंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव है और अगर नहीं है इफ़ेक्टिव इसका मतलब जो हम उम्मीद करते हैं उससे वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है और एक नीचे नोट दिया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन इंक्लूड क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं करेक्शन हो सकता है करेक्टिव एक्शन हो सकता है करेक्शन का मतलब उसी हाल फिलहाल जो भी गड़बड़ है उसको इमीडिएटली दुरुस्त करना ठीक करना ताकि वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो चल पड़े और वो काम की बन जाए तो ये तो हुआ आपका करेक्शन और करेक्टिव एक्शन ये कि जो गलती हुई है वो दोबारा ना होने पाए तो हमें ऐसा एक्शन लेना है ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो तो वो हो गया हमारा करेक्टिव एक्शन और कंटिनल इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूल इंप्रूवमेंट एक हमारा परमानेंट ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ताकि बराबर सुधार होना चाहिए हर चीज़ में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी प्रोडक्ट में भी सर्विस में भी लोगों की क्वालिफिकेशन में लोगों की ट्रेनिंग में जो आउटसाइड प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसमें हर चीज़ में तो वो जो है कंटिनल इम्प्रूवमेंट ये हमारा काम करने का एक तरीका होना चाहिए एक हिस्सा होना चाहिए कि हर चीज़ में कंटिनली हम इम्प्रूव करते जाएं कंटिनल इम्प्रूवमेंट जो है बहुत ज़रूरी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और ब्रेक थ्रू चेंज कहीं जहां ज़रूरत है हम नई टेक्नोलॉजी लगा दें ताकि बिल्कुल ब्रेक थ्रू चेंज हो जाए उसमें एक नई तरीके से हम काम करके और प्रोडक्ट को बनाएं या सर्विस को दें तो वो ब्रेक थ्रू चेंज हुआ कि नई टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस कर ली या इनोवेशन कोई हमने नया तरीका ढूंढ लिया नया ईजाद कर ली तो वो इनोवेशन हुई और रीऑर्गेनाइजेशन कि किसी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई तब्दीलियाँ करें अगर हम तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगी उससे प्रोडक्ट भी बेहतर होगा काम करने का तरीक़ा भी बेहतर होगा ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर होगा लोगों को सहूलियत होगी तो इस तरीके से हमें अपना रीऑर्गेनाइजेशन अगर करने की ज़रूरत है तो इमीडिएटली हमें रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए तो ये सब चीज़ें करने से क्या है कि संस्थान में या कंपनी में इम्प्रूवमेंट होगा और ये क्लॉज इम्प्रूवमेंट के बारे में है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट को अचीव करेंगे इसको किस तरीके से हल करेंगे ये समस्या को ताकि इम्प्रूवमेंट हमारा हो सके और हर तरीके से हो सके दूरगामी इम्प्रूवमेंट हो इमीडिएट इम्प्रूवमेंट हो कंटिन इम्प्रूवमेंट हो हर तरीके से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी ये रिक्वायरमेंट और अगर नहीं समझ आई है किसी वजह से तो भाई अपना जो भी चीज़ समझ नहीं आई है उस चीज़ को इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपको समझाने की और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपा करके उनको लाइक दीजिए उनको थम्स अप दीजिए और आपस में शेयर करना ना भूलें ताकि जो भी लोग आई में व्यस्त हैं आपकी कंपनी में हों बाहर किसी और कंपनी में हों आपके जानकार लोग हों उन तक मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि मेरे जो नॉलेज का आपके साथ आदान प्रदान हो रहा है उसका लाभ उनको भी पहुंच सके और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब मैं वीडियो लोड करूं तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादातर मैं वीडियो संडे उसको लोड करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि दस बजे तक लोड हो जाएगा नहीं हो किसी वजह से क्योंकि इंटरनेट की कई बार परेशानी हो जाती हैं तो उसको फिर हम दूर करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो लोड हो सके किसी भी हालत में ग्यारह बजे तक ज़रूर लोड हो जाए तो आप बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब uh, कर दें चैनल को तो वो इन्फॉर्मेशन कब वीडियो लोड हुआ ये इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँचेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सहूलियत होगी मेरे वीडियोस तुरंत देखने के लिए तो मिलते हैं फिर अगले संडे को बाय बाय थैंक यू नमस्ते